25 जुलाई 2000 एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट कॉन्कॉर्ड पेरिस के चार्ल डे गॉल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई और टेक ऑफ करते ही पास ही के एक एयरपोर्ट होटल से जाकर टकरा गई। नतीजा एक साथ 109 पैसेंजर्स, पायलट, कैबिन क्रूज और उस वक्त उस होटल में ठहरे लोग, ये सभी उसी वक्त जलकर राख हो गए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो प्लेन एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट था। और नहीं, मेरी नहीं, बल्कि उस वक्त हर किसी की यही राय थी। ग्लोबल लीडर से लेकर आम लोग सभी यही साबित करने के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि इस इंसिडेंट के करीब 22 साल पहले साल 1978 में भी डिट्टो ऐसे ही एक सेम इंसिडेंट रशिया के टुपोलेव 2U-144 सुपरसोनिक पैसेंजर जेट के साथ भी घटा था, विद द सेम फॉल्ट, सेम टेक ऑफ एंड सेम डेडली लैंडिंग। इन इंसिडेंट्स ने बेसिकली एक धारणा बना दी कि शायद सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट्स अपने बड़े से स्ट्रक्चर की वजह से एयर प्रेशर में होने वाले बदलावों को झेल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उनका इंजन टेक ऑफ करते ही वहीं पर फट जाता है। पर क्या सच में ऐसा ही था? वेल, नासा के अनुसार ये सारे नैरेटिव्स असल में एक साजिश के तहत फैलाए गए थे, बिकॉज इन रियालिटी नासा ने देखा कि कॉन्कॉर्ड के पूरे 27 साल के ऑपरेशनल हिस्ट्री में साल 2000 का हादसा ये इकलौता ऐसा हादसा था जिसने किसी की जान ली थी। उल्टा अगर कंपेयर करें तो इससे ज्यादा हादसे तो ऑर्डिनरी कमर्शियल फ्लाइट्स में होते हैं। नासा ने तो ये भी ऑब्जर्व किया कि यूरोप के कुछ टॉप नॉवेलिस्ट, एक्टर्स और मीडिया आउटलेट्स 60s के दशक से ही कॉन्कॉर्ड जैसे फ्लाइट्स के खिलाफ एक एंटी कॉन्कॉर्ड प्रोजेक्ट चला रहे थे, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन प्लेन्स की सोनिक बूम की आवाज से तकलीफ होती है। यानी नासा ही अच्छी तरीके से समझ गया कि लोग इन सुपरसोनिक प्लेन्स के कॉन्सेप्ट को इसीलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में उन्हें उस प्लेन की आवाज पसंद नहीं आती, जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक रिपेयरेबल फॉल्ट है। बस फिर क्या था, नासा ने सबसे पहले इसी सोच के साथ यूएस की एयरक्राफ्ट बनाने वाली फेमस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक टाई अप कर दिया और बना दिया ये सुपरसोनिक X-59, जो बाय द वे आगे चलकर कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसकी खास बात, नासा का यह दावा है कि जब यह X-59 साउंड बैरियर को तोड़ेगा तब उसका सोनिक बूम इतना नहीं बल्कि सिर्फ इतना आपको सुनाई देगा, और उसके बावजूद वो इतनी तेज होने वाली है कि यूके टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1.5 घंटे में ही पहुंचा देगी। यकीन नहीं हो रहा, राइट? और होगा भी कैसे, क्योंकि उन दिनों अक्सर कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट से काफी सारे पैसेंजर्स की कंप्लेन आया करती थी कि प्लेन काफी तेज तो चलती है लेकिन उससे आवाज भी बहुत खतरनाक आती है, साथ ही अंदर जोरदार झटके भी फील होते। पर उन दिनों सुपरसोनिक प्लेन्स का स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पीड अचीव करने पर लगाया जाता था, उससे पैदा होने वाले सोनिक बूम और शॉक वेव्स को कम कैसा करना है इस पर इतनी टिप्पणी नहीं होती थी। चलो आपको एक एनिमेशन से समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। जरा इस डॉट को देखो और सोचो ये एक सुपरसोनिक प्लेन है। इसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे ये प्लेन साउंड की स्पीड तक पहुंचने लगता है उसके आगे की हवा प्रेशर के साथ कंप्रेस होने लगती है, और फिर जैसे ही प्लेन साउंड बैरियर को तोड़ता है वो प्रेशर झटके से रिलीज होने की वजह से प्लेन के इर्द गिर्द शॉक वेव्स भी बनने लग जाते हैं। अब वैसे तो देखने में ये प्रॉब्लम काफी खतरनाक लग रहा होगा, डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट यू नो व्हाट, नासा ने अपने प्लेन में इसे मेजरली सिर्फ पैसेंजर की सीटिंग पोजिशन को बदलकर सॉल्व कर दिया। देखो, अब तक जितने भी सुपरसोनिक प्लेन्स बने थे ना, उनके डिजाइन्स कुछ ऐसे थे जिसमें पैसेंजर्स यहां पर बैठा करते थे। अब ऐसे में जब ये प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते थे तब हवा से सबसे पहले नोस और विंग्स, ये दो चीजें टकराती थी और इसीलिए इनके पास बैठे पैसेंजर्स को शॉक वेव्स भी जोरदार महसूस होते थे। पर अब जरा नासा के अपडेटेड डिजाइन पर नजर डालो। यहां पर क्लियरली पायलट और पैसेंजर्स दोनों नोस से काफी पीछे पर विंग से काफी आगे बैठेंगे, यानी इस डिजाइन की वजह से पहले ऑलमोस्ट पूरा प्लेन किसी सुई की तरफ पियर्स करते हुए साउंड बैरियर के आगे निकलेगा और उसके बाद फिर उसके विंग्स थोड़े बहुत शॉक वेव्स बनाने लगे। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ आधी ही सच्चाई है, क्योंकि इस प्लेन के बनाने के पीछे सिर्फ नासा की मेहनत नहीं बल्कि यूएस और जर्मनी के बीच की आपसी राइवलरी भी है। अब एक राइवलरी कैसे रीजन हो सकती है सुपरसोनिक जेट बनाने के पीछे का? वेल, ये तो आप जानोगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ने मुझसे अक्सर ये बहुत बार कहा है कि सर, आप जैसा टीचर जो क्यूरियोसिटी को ध्यान में रख के पढ़ाता है, काश हमारे स्कूल में भी ऐसे ही टीचर्स पढ़ाए। अब इस पर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, जो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। दूसरी बात, ऐसे वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट अगर आपको चाहिए जो आपको वन ऑन वन
अगर कोई पढ़ा सके, ऐसा कोई टीचर चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक अनोखा सोल्यूशन है, ये है फिलो ऐप। इसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है ना, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको बस उसकी फोटो क्लिक करके तुरंत फिलो ऐप पर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद बस 60 सेकंड के अंदर अंदर आप फिलो पर एक एक्सपर्ट ट्यूटर से लाइव कनेक्ट हो जाओगे। यानी अब वन ऑन वन पढ़ाया जाएगा आपको, और चाहे आपको जितने भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तब तक आप पूछ सकते हो। साइंस मैथ्स ये सब फील करने वाले सब्जेक्ट्स है, ऐसा समझ के पढ़ो, और साथ ही में पढ़ाई का टाइम फ्रूटफुल बनाओ। तो रुके क्या हो, अभी फिलो ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाओ। प्लस मुझे भी कमेंट्स में बताना आपका फिलो पर पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था। नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे यूएस जर्मनी के राइवलरी के बारे में। दरअसल नासा के X-59 को डिजाइन करने से पहले यूएस और जर्मनी के बीच एक जंग छिड़ी थी कि कौन सबसे ज्यादा हाईटेक प्लेन्स बना सकता है। और बस फिर इस जंग के चलते यूएस ने एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन बनाया जो दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की दूरी महज 7 घंटों में तय कर सकता था। इसका नाम रखा गया द ओवरचर। यूएस का बेसिकली ये दावा था कि उनका ये प्लेन मैक 1.7 यानी 2100 किलोमीटर पर आर या साउंड की 1.7 टाइम स्पीड को टच कर सकता है। लेकिन फिर भी जर्मनी को यूएस के डिजाइन में एक फ्लॉ नजर आ गया। जर्मन्स के अनुसार ओवरचर जो कॉम्पाउंड डेल्टा डिजाइन इस्तेमाल कर रहा है उसी के वजह से विंग्स का ज्यादातर एरिया एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और ऐसे डिजाइन से फ्लाइट के दौरान प्लेन को एयर ड्रैग ज्यादा मिलेगा, और इस ड्रैग के ऑपोजिशन की वजह से साउंड की स्पीड मेंटेन करने में प्लेन को बहुत ही ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजा जर्मनी ने इन गलतियों से सीखकर अपना एक खुद का डिजाइन निकाला बाय द नेम ऑफ सिंगल डेल्टा। इसमें जैसे आप देख सकते हो विंग्स का एरिया कम करके जर्मनी ने नेचुरली एयर ड्रैग को कम कर दिया, पर देन साथ ही में जर्मन्स ने यह भी सोचा कि एयर ड्रैग को और भी ज्यादा कम करने के लिए क्यों ना इस प्लेन को उड़ाया ही ऐसे जाए जहां पर एयर काफी थिन हो। इससे एयर ड्रैग भी कम लगेगा और स्पीड भी साउंड के ऊपर ही बनी रहेगी। बस फिर क्या था, इसी सोल्यूशन पर अमल करके जर्मन्स ने सीधा एक हाइपरसोनिक प्लेन बना दिया कॉल्ड द स्पेस लाइनर, जो साउंड की स्पीड से भी 1.7 टाइम ज्यादा तेज उड़ने वाले ओवरचर से भी 3 गुना ज्यादा तेज है। मतलब जहां पर ओवरचर को लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगेंगे, वहीं पर स्पेस लाइनर इस डिस्टेंस से 3 गुना ज्यादा दूरी को यानी कि लंदन से सिडनी तक की दूरी को सिर्फ 1.5 घंटे में ही पार कर देगा। अनबिलीवेबल राइट? वेल ये पॉसिबल है क्योंकि प्लेन का जो टेक ऑफ होगा ना वो बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही होगा। मतलब वो वर्टिकली एटमोस्फियर में लॉन्च होगा और फिर एक ऊंचाई पर पहुंचते ही अपने डेस्टिनेशन की तरफ हाइपरसोनिक स्पीड में हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा। बट यू नो व्हाट, इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है। इन दोनों भी प्लेन्स में जो इंजन यूज होने वाला है ना वो एक नॉर्मल जेट का ही इंजन है, बस उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं। अब इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने वाले इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल भाषा में जेट इंजन के वर्किंग को समझते हैं। ये है एक जेट इंजन जिसमें फैन, कंप्रेसर, फ्यूल इंजेक्टर, कंबशन चेंबर, टर्बाइन और नोजल होता है। तो जैसे ही प्लेन स्टार्ट होता है उसमें लगे फैंस हवा को अंदर खींचकर कंप्रेसर की तरफ लाते हैं, जो उस हवा को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है। फिर ये गर्म हवा एक कंबशन चेंबर में पहुंचती है जहां पर फ्यूल इंजेक्टर्स की मदद से फ्यूल ऐड होता है, और अब जैसे ही फ्यूल ऐड होता है वैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर टर्बाइन की तरफ आगे बढ़ता है, और फिर बड़ी तेजी से ये हवा नोजल के जरिए बाहर फेंक दी जाती है जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। बट There's a catch. जैसे जैसे प्लेन हाई स्पीड में आगे बढ़ने लगती है वैसे ही उसके इंजन में आने वाली हवा की स्पीड भी बढ़ने लगती है, जिसके वजह से ब्लेड और इंजन डैमेज हो जाते हैं। और इसी डैमेज को रोकने के लिए यूएस ने इस इंजन के 2 पार्ट्स फैन कंप्रेसर और टर्बाइन को ही निकाल दिया और बनाया ओवरचर का इंजन डिजाइन रामजेट। So normally होता ये है ना कि अगर हवा की स्पीड कंबशन चेंबर तक आते आते कम नहीं हुई तो कंबशन शुरू होने के पहले ही वो हवा इंजन से बाहर चली जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। इसमें सुपरसोनिक एयर इंजन में आने के बाद इंजन में लगे इनर बॉडी से टकराकर पहले सुपरसोनिक होगी और फिर उसके बाद इसमें फ्यूल ऐड होगा। अब क्योंकि अंदर की हवा की स्पीड साउंड से थोड़ी ही कम होगी और इसीलिए वो एक्सपैंड होकर सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलेगी। यानी प्रॉब्लम सॉल्व? वेल नॉट रियली। इंजन के एक मूविंग पार्ट को निकालने से शॉक वेव का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब स्पीड सबसोनिक होने की वजह से ओवरचर की स्पीड पर एक लिमिटेशन आ गई है। वो सिर्फ दुगनी स्पीड में ही ट्रैवल कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं।
और जर्मन्स ने इसी बात का फायदा उठाते हुए ओवरचर के इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए। जर्मन्स ने सोचा प्रॉब्लम्स तो मटेरियल से हो रहे हैं ना, तो क्यों ना उस मटेरियल को ही पतला कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने हाई स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए सिर्फ रैमजेट की इनर बॉडी को काफी पतला कर दिया और बनाया एक हाइपरसोनिक जेट इंजन स्क्रैमजेट। इसमें इनर बॉडी के पतले होने से सुपरसोनिक एयर बिना किसी से टकराए सीधा सुपरसोनिक स्पीड पर ही कंबशन चेंबर में एंटर करेगी, और इसके बाद इसके कंबशन इंजन के बाहर ना हो इसीलिए इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन तुरंत जल जाता है। अब क्योंकि इसमें सुपरसोनिक एयर का ही कंबशन हो रहा है इसीलिए इंजन के बाहर जो हवा फेंकी जाएगी वो भी सुपरसोनिक ही होगी और प्लेन तेजी से ट्रैवल करेगा। यानी फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्पेस लाइनर प्लेन एक रॉकेट और प्लेन का हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें ये रॉकेट की तरह टेक ऑफ कर रहा है और रॉकेट का ही फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस ने जर्मन्स को पीछे डाल दिया। You won't believe, Overture अपना फ्यूल सीधा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके बनाने वाला है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराकर कुछ ऐसा करेगा जिससे वो एक सस्टेनेबल फ्यूल बन जाए। अब वो कैसे होगा, इस पूरे प्रोसेस को मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और नासा ने इन्हीं दो प्लेन्स के डेवलपमेंटल फेसेस को और गलतियों को समझकर अपना X-59 प्लेन बनाया है, जो आने वाले समय में ट्रैवल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वंडरफुल प्लेन, नीचे कॉमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। क्यूरियस वीडियोज को आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप मिस ना करो आगे। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।